प्रशासन इस हद तक ना जाए कि हमें आपकी इमारत का पानी परोठा और बीज परोठा खंडित करने की बात आ जाए, इसीलिए आपके माध्यम से हम नागरिकों को ऐसे जो सीवन कैटेगरीज में जिनकी बिल्डिंग है उन्हें आह्वान करते हैं कि आप इमीडिएटली बिल्डिंग खाली कीजिए ताकि हम बिल्डिंग तोड़ सकें, ताकि आप अपनी जान बचाएं, और अगर खुदा ना खासा अगर वो बिल्डिंग गिरती है तो आजू बाजू के लोगों पे भी तो उतना ही डेंजर हो जाता है। तो जो लोग बिल्डिंग काफ़ी जो है खराब कंडीशन में, उनको क्या परमानेंट शिफ्टिंग दी जाएगी या फिर कुछ टेम्प्रेरी बेस पर? नहीं देखिए, अभी कैसा है कि हम उनको रेंटल में दे रहे हैं या उनको भाड़ा दे रहे हैं, है ना, तो इस हिसाब से हम उनकी शिफ्टिंग करते हैं। तब तक के लिए सी कैसा है कि वो अगेन एक पॉलिसी डिसीजन है, इमीडिएट जो रिलीफ है उनका, इमीडिएट जो रिलीफ है वो उनको दिया जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि मुमरा के लिए और थाना में क्लस्टर योजना भी डिक्लेयर हो गई है ना, तो परमानेंट रिलीफ तो इस योजना के तहत मिलने वाला, परमानेंट रिलीफ तो इस योजना के तहत मिलने वाला। बट इन द ये जो ट्रांजिट जो पीरियड है, ये जो स्टॉप गैप जो पीरियड है, उसमें हम उनको इस ढंग से हम उनका पुनर्वसन करेंगे। लेकिन ये क्या कोई योजना इस तरीके की हुई कि कितनी समय तक उनको आप रेंट देंगे या फिर कितनी समय तक वो अपने घर से दूर रहेंगे, रेंट पर रहेंगे, उनके लिए घर बना के टीएमसी देगी? कोई लिमिटेशन नहीं बनाना है कोई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डेमोलिशन होता है 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं, नई चीज़ें मिलने के लॉट होने के बाद। मेरा कहने का मतलब है जब तक क्लस्टर योजना का हम ये करते नहीं है ना, देखिए कैसा है कि क्लस्टर योजना भी एक रिलेटेड पॉलिसी डिसीजन है। अभी आज की तारीख में आपको मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि जो आपको इमीडिएट रिलीफ है वो प्रशासन की तरफ से मिलेगा। आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं कि कितने साल तक हम उनका उन्हें हम ये भाड़े की घर की फैसिलिटी देंगे, तो वो एक पॉलिसी डिसीजन है, वो भी एक पॉलिसी डिसीजन है। वो जैसे पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि आज अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो वो विदाउट छत रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन आगे के लिए फिलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक ऐसा कोई निर्णय फिलहाल नहीं, स्टेप बाय स्टेप। आम्हाला एवढी अपेक्षा आहे, सिंपल सांगतो, आपल्याला कळकळची विनंती आहे जी, तुमच्याकडनं आम्हाला एवढीच अपेक्षा आहे की अति धोकादायक कुठली इमारत वाटते दिसते समजते, लोकांचे तुमच्या कानावर विषय येतात, नागरिकांचे, नगरसेवकांचे, कार्यकर्त्यांचे, नगरपालिकेच्या ऑफिसरचे कुठूनही तुमच्याकडे येतात, कारण तुमच्याकडे इंस्टंट आहे एकदम, इमिडिएट तुम्ही कुठेही काय झालं की तयार होता। ते कसं आहे माहिती आहे ना, तुम्ही ते महाभारतामध्ये लगेच प्रसन्न होतात, ताबडतोब जागे होता। तुम्ही पत्रकार आहात आणि हा सर्वात मोठा आरसा आहे पत्रकार, सर्वात मोठा जनतेचा आरसा आहे। तुम्हाला अशी विनंती आहे की असं काय तुम्हाला अति धोकादायक दिसतं की इमिडिएट तुम्ही नगरपालिकेच्या ऑफिसरला आमचे सर्वांचे नंबर घ्या, एक्झिक्युटिव्ह साहेब आहेत तुम्हाला माहिती आहे, गोसावी साहेब आपले, त्याच्याबरोबर आपले जोशी साहेब आहेत उपायुक्त, मी आहे इथं सहायक आयुक्त, त्याच्याबरोबर आणखी कुणाला तुम्हाला असेल तर तुम्ही इमिडिएट आम्हाला फोन करा, जेणेकरून अति धोकादायक इमारती पडणार नाही आणि पडले तर जीवित हानी होणार नाही, सगळ्यांनी म्हणून एकदा काळजी आपण याची घ्या, बस एवढंच आपल्या याच्या या सांगायचं। अच्छा, लोगों को संदेश थोडा सा हिंदी में, ये क्या वो नहीं लग रहा है एक मिनट सर, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका उद्देश्य एक ही है कि सबको पता है कि मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में धोखादायक इमारत का प्रमाण संख्या ज़्यादा है, और जैसे अभी बारिश का सीजन आ गया है तो आने वाले दिनों में कोई इमारत गिरे नहीं, और अगर गिरे भी तो उसमें कोई जीवित हानि हो नहीं, इस उद्देश्य से हमने लोगों ने क्या उपाय योजना करनी चाहिए और प्रशासन की तरफ से क्या उपाय योजना हो गई है वो बताने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की। क्या सफाई की तरफ से ऐसी जो बिल्डिंग है, डेंजर बिल्डिंग है, उनको क्या फैसिलिटीज दी जा रही है? और ये सबसे पहले तो प्रशासन ने एक सर्वे किया है और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो धोखादायक इमारत हैं उनका जो डिवीज़न है, उनकी जो कैटेगरी है, चार कैटेगरी में कर दी गई है, C1, C2A, C2B और C3। C1 बिल्डिंग मतलब वो बिल्डिंग जो कि अति धोखादायक है और लोगों ने इमीडिएटली उसे खाली करना। C2A वो बिल्डिंग है जो कि लोगों ने खाली करना है, खाली करके उसे रिपेयर करना है, रिपेयर करने के बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट हमें सादर करना है, उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने वापस बिल्डिंग में रहने जाना है। तीसरी कैटेगरी है वो C2B की, कि लोगों ने क्या करना है कि
बिल्डिंग में रह के वो रिपेयर कर सकते हैं। और सी थ्री जो कैटेगरी है वो है किरकोल दुरुस्ती माइनर रिपेयर्स की। तो अगर आपकी बिल्डिंग सी वन कैटेगरी में है तो कृपया आप इमीडिएटली वो बिल्डिंग खाली कर दीजिए। ऐसी कितनी बिल्डिंग है और उनको कहाँ शिफ्टिंग आप लोग दे रहे हैं? बता क्या या इसमें क्या है कि सी वन जो है वो मुमरा में 8 बिल्डिंग है, कौसा में 2 बिल्डिंग है, एंड सी टू ए जो है मुमरा में 15 है, कौसा में 13 है, सी टू बी मुमरा में 56 है, कौसा में 26 है, सी थ्री मुमरा में 544 एंड कौसा में 783, टोटल मुमरा में 623 मुमरा में है एंड कौसा में 824। कितने बिल्डिंग से टोटल दोनों मिला के हो रहे आपने? मुमरा में 8 है, कौसा में 2 है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये इमीडिएट हम लोग को खाली गाँव है। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है आपको, क्या तैयार करके दे रहा है प्रशासन, क्या दे रहा है आपको, कहीं खाली करके कहाँ जा रहा है? इनको दो ऑप्शन दिया है, एक फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इनको ट्रांजिट में हम लोग दे रहे हैं, देन सेकेंड ऑप्शन ये है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोग को वहाँ पे जाने के लिए ज़्यादा, हमारा यहाँ पे व्यवसाय है, काम यहाँ पे है, तो वर्तक नगर जाने के लिए ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसीलिए इनको ऑनरेबल कमिश्नर सर से कल बात हुआ, हमारा कमिश्नर सर ने अप्रूवल किया है कि उनका जो भाड़ा है यहाँ पे अगर रहना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे भाड़ा दे दो, लेकिन भाड़ा जो है मैक्सिमम 5000 तक जाएगा, जितना है 2000 है आपका वो लेके आइए उतना आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इमीडिएट शिफ्ट करना है, इमारत इमीडिएट आपको खाली करना है। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है किसी की जीवित हानि नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हमारा ये मैसेज है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेस माध्यम, हम लोग पतनाट्य भी डाल रहे हैं, प्रेस मीडिया भी कर रहे हैं, केबल डाल रहे हैं, एंड जो जो डेंजरस बिल्डिंग है आपको दिखाई देने के लिए बिल्डिंग के ऊपर हम लोग लोगो डाल रहे हैं, सिम्बॉल डाल रहे हैं कि एकदम डेंजरस बिल्डिंग है, इमीडिएट खाली करो, और वो बिल्डिंग खाली करने के लिए वहाँ का अगर वो खाली नहीं हो रहा है तो वाटर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग बंद कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का ही यहाँ पे डायरेक्शन है, एंड इमीडिएट अगर वो खाली नहीं करता है इमीडिएट वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिकल बंद कर रहे हैं बस। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कॉल केलेली आहे, त्याचा प्रमुख उद्देश असा आहे की प्रेसच्या माध्यमातून आम्हाला मुंबऱ्यातील नागरिकांपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे। मुद्दा एकच आहे धोकादायक इमारतीचा, जसं ठाणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात मुंबरा प्रभाग समिती व्यतिरिक्त इतर ज्या 9 प्रभाग समिती आहेत सगळ्यांकडे धोकादायक इमारती आहे, परंतु मुंबरा प्रभाग समितीमध्ये हा विषय इतर प्रभाग समितीच्या तुलनेत जास्त जटिल आहे, कारण की इथे धोकादायक इमारतींची जी संख्या आहे ती जास्त आहे। आता मी पाटोळे साहेबांना रिक्वेस्ट करेन की ते जरा फिगर्स द्या मग, कारण की त्याच्यावरून आपल्याला हा विषयाचा गांभीर्य काय ते आपल्याला कळेल। कसं आहे की मुंबरा प्रभाग समितीमध्ये कालच माननीय आयुक्तांनी आढावा घेतलेला आहे, सर्व समितींचा आढावा घेतला आहे, त्याच्यामध्ये मुंबराचाही आढावा घेतलेला आहे, तर आम्ही आमच्या ज्या यापूर्वी धोकादायक अतिधोकादायक याचं वर्गीकरण महाराष्ट्र शासनाने जे सांगितलं त्याप्रमाणे करण्यात आलं, त्याचे फिगर्स मी आपल्याला उपलब्ध करतो, आणि एकंदरीत कसं आहे की धोकादायक सी वन जे आहे, सी वन म्हणजे अतिधोकादायक आहे, ती इमिडिएट आपल्याला निष्कर्षित करायची आहे, तर मुंबऱ्यामध्ये 8 आहेत आणि कौशामध्ये 2 आहेत। मुंबऱ्यामध्ये 8 आहे, त्याचे लोकेशन्स तुम्हाला मी उपलब्ध करून देतो, यादी तुम्हाला उपलब्ध, यादीच तुम्हाला देतो, इवन सगळ्यांची यादी तुम्हाला उपलब्ध करतो, फक्त तुम्हाला फिगर्स आता मी सांगतो तुम्हाला। मुंबऱ्यामध्ये सी वन म्हणजे अति धोकादायक शासनाने त्याचे वर्गीकरण केलेलं आहे, त्या मुंबऱ्यामध्ये 8 आहेत आणि कौशामध्ये 2 आहेत। सी टू ए म्हणजे काय की जी इमारत खाली करून दुरुस्ती करून परत जाऊन राहायचं आहे, तर तशा मुंबऱ्यामध्ये 15 आहेत आणि कौशामध्ये 13 आहेत, तर त्या इमारतीकडे सुद्धा आपल्याला जास्त लक्ष, सी वन आणि सी टू एकडे जास्त लक्ष द्यायचं आहे। सी टू बी ज्या आहेत त्या इमारती खाली न करता दुरुस्ती करायची आहे, तर त्या इमारती मुंबऱ्यामध्ये 56 आहेत आणि कौशामध्ये 26 आहेत। त्यानंतर सी थ्री म्हणजे काय की किरकोळ दुरुस्ती करायची आहे, तर ते थोडं धोकादायकमध्येच आहे त्यासुद्धा इमारती, तर त्या मुंबऱ्यामध्ये 544 आहेत आणि कौशामध्ये 783 आहेत।
अशा एकूण मुंब्र्यामध्ये 623 आणि कौशामध्ये 824 अशा ह्या सगळ्या इमारती आहेत. मी याच्यात एक पॉईंट ऍड करतो, जसं पाटोळे साहेबांनी सांगितलं की दुरुस्ती करून आपल्याला परत तिथे राहता येते, तो इसमें ऐसा है कि अगर आप दुरुस्ती कराएंगे, दुरुस्ती के बाद आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट देना है, उसी के हिसाब से हम निर्णय लेंगे और तभी आपने रहने जाना है. सर, इससे पहले जो टीएमसी ने जो लिस्ट की दायर की थी, पता है ना लिस्ट जो चल रही थी कि उसमें 656 समथिंग जो भी है धोखा का, जो मुंब्रा में बहुत व्हाट्सएप पे भी चल रहा था, तो इसमें बीच में ऐसा पता चला था कि जो लिस्ट घूमी है वो कुछ गलत भी थी, उसमें वापस से जो है उसका सर्वे होगा और जितनी भी है बिल्डिंग्स जो धोखाधड़ी को जो लिस्ट है वो उसमें से कम हो सकती है. देखिए, बात ऐसी है कि लिस्ट बनाना ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ऑन गोइंग प्रोसेस है. धोखाधड़ी की इमारत आज एक इमारत, आज धोखाधड़ी नहीं है लेकिन 10 दिन के बाद तो धोखाधड़ी हो सकती है. तो लिस्ट में कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकती है, कुछ इमारत बारिश में धोखाधड़ी हो सकती है, है ना. तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये पहली बात बोलता हूँ. आपने जो सर्वे की बात की, तो जैसे आपको पता है कि मुंब्रा में अनफॉर्चुनेटली अनधिकृत बांधकाम जो है उनकी संख्या ज्यादा है, और आपको पता है कि अनधिकृत बांधकाम जो है वो किस ढंग से की जाती है. तो हमारा तो एक ऐसा कहना है प्रशासन का कि जितने भी अनधिकृत बांधकाम हैं सब धोखाधड़ी में. देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि हम इधर किसी को घबरा नहीं रहे, हम सिर्फ जो हमारे सामने जो एक समस्या है उसको हम हेड ऑन फेस करने की अभी हम पेश कर रहे हैं. हमें इस प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना, हमें प्रॉब्लम के पास जाना है, उसको फेस करना है, और ये हमें तय करना है कि कोई भी बिल्डिंग गिरे नहीं, और अगर बिल्डिंग खुदा ना खास्ता कोई गिरती है तो उसमें जीवित हानि बिल्कुल होनी नहीं चाहिए. ये प्रशासन का और हमारे कमिश्नर साहब ने हमको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है, उसी के तहत आज हमने आपको इधर इनवाइट कर रखा है. जैसे आपको पता है कि मुंब्रा प्रभाग समिति में धोखाधड़ी की इमारत की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास अब कितना स्टाफ है, अतिक्रमण के पास 6 क्लार्क है, है ना, जिनका काम है ये. तो एक ऐसा आज डिसीजन लिया गया है कि मुंब्रा प्रभाग समिति में जितने भी विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं सब इस काम में लग जाएंगे. तो टैक्स का क्लार्क भी काम करेगा, स्वच्छता के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो भी काम करेंगे, स्वच्छता का जो मुकादम है वो भी काम करेगा, और जो 300 सफाई कामगार है वो भी इस काम में लग जाएंगे. पानी खाते का डेप्यूटी इंजीनियर भी काम करेगा, जेई भी काम करेगा, और वॉलमैन भी काम करेगा. ये सब करके मैंने देखा 1000 लोग हो गए, तो भी समस्या बहुत ज्यादा बहुत बड़ी है. तो क्या करें अभी, तो अभी और स्टाफ तो आ नहीं सकता ना. अब मैंने सफाई कामगार भी इस काम में भी सर्वे बोलिए या पहाड़ी बोलिए उसमें लगा दिया है, तो अब मैं और कहां से स्टाफ अभी अरेंज करूं, पॉसिबल नहीं है ना. तो इसीलिए हम मुंब्रा के लोगों को एक आह्वान कर रहे हैं कि आपने खुद अपने घर का परीक्षण करना है, आपने खुद अपनी बिल्डिंग का परीक्षण करना है. जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात बताऊं मैं आपको, जैसे लेडीज खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, वैसे ही मुंब्रा के हर नागरिक ने, वो जिस घर में रहता है, वो जिस इमारत में रहता है, उसका खुद एक परीक्षण करना है. सर, ये धोखाधड़ी जो अति धोखाधड़ी बिल्डिंग है, अगर इनको डैमेज करेंगे तो उसके लिए हमको कहीं पर्याय होगा? पर्याय का जो बात है मैं लास्ट में बोलता हूँ, वो भी हमारे पॉलिसी में है. तो जब मैंने बोला खुद परीक्षण करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उस परीक्षण के लिए लोगों में एक जन जागृति मुहिम हम कर रहे हैं, और आप ही के थ्रू वो जन जागृति मुहिम होगी. इसमें सोमवार को सब लोक प्रतिनिधि की हमने एक बैठक आयोजित की है प्रभाग समिति की, उसमें हम उनको विश्वास में लेंगे, क्योंकि एक नगर सेवक ही है जो वार्ड में घूमता है, उसे वार्ड का चप्पा चप्पा पता होता है. वो नगर सेवक हमको बताएगा कि सर मेरे वार्ड में ये बिल्डिंग धोखादायक है, ये बिल्डिंग धोखादायक हो सकती है, ये बिल्डिंग खुदा ना खास्ता गिर सकती है,
तो लोक प्रतिनिधि है उनका, उनके सहभाग के सिवा तो ये काम हो नहीं सकता। एट द सेम टाइम हमने कल हमारे तमाम जो वॉलमैन है, क्योंकि वॉलमैन है वो रोड पे काम करता है, वॉलमैन को मुमरा का हर रहवासी मिलने आता है, उनका एक हमने प्रशिक्षण रखा हुआ है। और शनिवार को मुमरा प्रभाग समिति में जितने भी सफाई कामगार है उनका अगेन हमने प्रशिक्षण रखा हुआ है, ट्रेनिंग रखा हुआ है। क्योंकि एक सफाई कामगार है वो अपने हद के हर बिल्डिंग में जाता है, वही बोल सकता है कि आज सर मुझे बिल्डिंग थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है, या आज मुझे बिल्डिंग वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरे घर की खिड़की बंद करने में बड़ी तकलीफ हुई, मेरी खिड़की जाम हो गई है, या मेरे घर का दरवाजा ना सर आज जाम हो गया। जाम हो गया मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग जो है वो थोड़ी धस रही है, और ये इशारा है जो कि बिल्डिंग गिरने के पहले एक बिल्डिंग जनरली देती है। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ कि हर समय बिल्डिंग गिरने के पहले बिल्डिंग इशारा देती ही है, लेकिन सेफली हम बोल सकते हैं कि 70% केसेस में बिल्डिंग 3-4 दिन पहले इशारा देती है। अगर बिल्डिंग ने ऐसे इशारे दिए तो कृपया करके जो मुंब्रा के जो रहवासी हैं उन्होंने इमीडिएटली प्रशासन को कॉन्टैक्ट करना है, हमें बताना है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, अब हम क्या करें। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पुनर्वसन का, तो जो बिल्डिंग हमें ऐसे डेंजरस लग रही है, जो बिल्डिंग इमीडिएटली हमको डिमोलिश करनी है, उनके लिए रेंटल की स्कीम है, रेंटल की स्कीम में घर है, और अगर घर भी नहीं मिले तो अगर हमने आपकी बिल्डिंग तोड़ दी तो आप किसी भाड़े के घर में रहने जाएंगे, तो आपका उस घर का कितना भाड़ा होगा वो हम भाड़ा हम देंगे, मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए की है, टीएमसी भाड़ा देगी मैक्सिमम 5,000। आपका 2,000 रुपए भाड़ा है, आप हमें एग्रीमेंट दिखाइए, हम आपको 2,000 रुपए देंगे, 3,000 रहेगा, 4,000 रहेगा, मैक्सिमम 5,000 रुपए भाड़ा हम आपको देंगे। तो नागरिकों में जो एक शंका रहती है कि अब तो हम रोड पे ही आ जाएंगे, और इसीलिए नागरिक जो है वो गरीब है, इसीलिए वो धोखादायक इमारत से बाहर निकलता नहीं है। तो आज उसकी ये समस्या, माननीय कमिश्नर साहब ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया है कि अपन ऐसा ऐसा करेंगे, ये बात। या तो एक अनखी महत्वाची बात है, इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि कमिश्नर साहब ने बोला कि इसको हम लोग ज़्यादा जनजागृति करें, टीवी, केबल, प्रेस, पथनाट्यम, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें हम लोग एक ड्रॉपअप बॉक्स रख रहे हैं, अगर किसी को कंप्लेंट करने में हिचकिचाहट होती है, अपना नाम डिक्लेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारा नाम लेकर कंप्लेंट डाल दें, तो भी हम एक ड्रॉप बॉक्स रख रहे हैं यहाँ पे, एक अपने जितने ऑफिसेज हैं वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स रखेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे, उसका हमारे पास टीम भी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का टीम है, उसके अंदर हम लोग उसका वेरिफिकेशन करेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर के टीम का नाम भी हम लोग इस पर ले लेंगे, और जो बिल्डिंग ज़्यादा डेंजरस लग रही है, अति धोखादायक लग रही है, उस बिल्डिंग के ऊपर हम एक सिम्बॉल करके चिपका रहे हैं, MACB जैसा हाई वोल्टेज करती है, धोखा खतरा आजू बाजू को भी मालूम होना चाहिए, अगर वो बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और एकदम C1 में डेंजरस है, रिपोर्ट्स आ गई है उसके अंदर, तो उसका हम लोग पानी और इलेक्ट्रिक कट कर रहे हैं इमीडिएट, और अगर पानी इलेक्ट्रिक कट करने के बावजूद वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उसका सीवर टैंक एंड आजू बाजू का सब हम लोग खोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। नहीं, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये तो ये है कि उसमें जीवित हानि, देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी की जान जाए नहीं, बस। तो ये सब करने के लिए प्रशासन इस हद तक ना पहुंचे कि ये करने की नौबत आ जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट का ही सर्कुलर है, आदेश ये गवर्नमेंट का ही है, हम लोग जो बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, और गवर्नमेंट के डायरेक्शन ये जनहित में लिए गए हैं, ये सिर्फ जनहित के डिसीजंस हैं, किसी की जान जाने नहीं चाहिए, जो कि जान बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। अभी मैं गोसावी साहब को बोलूंगा कि एक धोखादायक इमारत से रिलेटेड जो क्या क्या इश्यूज हैं, गोसावी साहब तुम्हें प्लीज सर मागचे उदाहरण बन गया। मुंब्रामध्ये मागील जो अनुभव आपल्याला आलेला आहे बिल्डिंग आपल्या मुंब्रामध्ये
सगळं ठाणे महापालिका ठाणे सगळ्या ज्या बिल्डिंग मुंबईमध्ये पडल्या त्या बिल्डिंगची जी लक्षणं पूर्व प्राथमिक जी लक्षणं दिसत आहेत आपल्याला, तर मेन म्हणजे जे आपल्या स्लायडिंग आहे त्या स्लायडिंग बंद होतात, काचाचा तड 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 असा आवाज येतो, आणि दरवाज्याला दरवाजा जो स्क्वेअरमध्ये बसायला पाहिजे तो बसत नाही, ती फ्रेम बेंड होते, आणि दरवाजा आणि फ्रेममध्ये गॅप तयार, शटर आणि ह्याच्यामध्ये गॅप तयार झालेला दिसतो, हे पूर्व प्राथमिक लक्षण. जसं माणसाला ताप आला म्हणजे कुठला तरी आजार म्हणजे आपण तपासणी करतोय, तसं हे जे बिल्डिंगचे लक्षणं आहेत, तर दरवाजाला आणि फ्रेम दरवाजा आणि शटरमध्ये गॅप पडणं, हा गॅप समजा गेल्या वर्षी होता परंतु तो वाढणं, किंवा कॉलम बीम आणि वीड बांधकाम ह्याच्यामध्ये कामा तो जॉईंट जो असतो वीड बांधकामाचा आणि कॉलमचा आणि बीमचा हा प्रॉपर जॉईंट नसतो, कधीच नसतो तो, पण प्लास्टरमध्ये तो कव्हर केला जातो, पण तिथं जर तो क्रॅक आहे आणि तो क्रॅक वाढत चालला तर बिल्डिंगचा फाउंडेशन कुठल्या तरी साईडला ते खचायला सुरुवात झालेली आहे, आणि डोंगराळ भाग असल्यामुळं आपल्या इथं अनंतर बिल्डिंगची संख्या जास्त असल्यामुळे प्रॉपर फाउंडेशन त्याचं त्यांनी केलेलं नाही, जी वन एक लेवलमध्ये ट्यूब लेवल लावून त्याचा बेस करायला पाहिजे होता, ॲज पर नॅचरली ग्राउंडच्या ह्याच्याप्रमाणे बिल्डिंगचं फाउंडेशन त्यांनी तिथे डिझाईन नाही टाकलेले, त्यामुळे जो लोड डिस्ट्रीब्युशन जी सिस्टीम असते ती लोड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम सर्व प्रकारच्या कॉलमवरती कॅल्क्युलेट न केल्यामुळं काही ठिकाणी लोड जास्त होऊन ते कॉलम खचतात. आता कॉलम खचतो किंवा कॉलमचं जो कॉन्क्रीट आहे कव्हर आहे कव्हर केलेलं आहे तर लोड जास्त झाल्यामुळं ते कॉन्क्रीट वरचं कव्हर तुटतं आणि ते कॉलमचं स्टील दिसतं, दिसून स्टील सरळ स्ट्रेक असेल समजा सरळच राहिलं तर समजायचं ठीक आहे, पण ते बेंड झालं बकल झालं तर समजायचं की त्याच्या लोडपेक्षा कॅपॅसिटीपेक्षा लोड जास्त झालेला आहे स्टीलला, त्याच्यामुळे तो जसं आपल्या माणसाच्या नोंदवरती जास्त उंच दिली वजन दिलं तर ते वाकणारच आहे कॅपॅसिटीपेक्षा, तसं ते स्टील जर बकल झालं तर समजायचं की ओव्हरलोड फॅक्टर तिथं ॲक्ट झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे ती बिल्डिंग धोका म्हणजे दिसतं ते कळतं स्टील उघडं झालं बेंड झालं की समजायचं, तर तसे पण आपल्याला काही उदाहरणं आपल्याला किंवा अनुभव आपल्याला बघायला मिळालेले आहे. बिल्डिंगच्या बाजूला गटर होतं पण ते परफेक्ट त्या फाउंडेशनमध्ये जात आहे त्या फाउंडेशनमध्ये, म्हणजे त्या फाउंडेशनमध्ये काहीतरी हालचाल झाल्यामुळं ते हे जे प्राथमिक लक्षणं जर नागरिकांनी आम्हाला येऊन सांगितली असे तर कन्सल्टंट इंजिनियरला कोरी फोन करून त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतलं जाईल, पहिल्यांदा फिजिबिलिटी पाहणी आमचे इंजिनियर करतील मी करेन आणि त्याच्यानंतर आम्हाला वाटलं की नाही ही बिल्डिंग खरोखरच आहे, तर हे एवढे जरी लक्षणं साधारणपणे सर्वसामान्य नागरिकाला जर कळाली आणि तरी आम्हाला जरी फोन केला तरी आपल्याला त्या बिल्डिंगची पडण्याच्या अगोदरची प्रिकॉशन आपल्याला घेऊन एक योग्य काळजी शिफ्टिंग माणसाचं करता येणं आपल्याला शक्य होईल. आता त्याच्यामध्ये खूप डिटेल स्टडी ते आहे स्ट्रक्चरल ऑडिट त्याच्या टेस्ट घेणं वगैरे ते नंतरचं, पण ते प्राथमिक आव्हानामध्ये आता ती जी बांधून बिल्डिंग पडली तर त्याचं ते काही लोकांचं शूटिंग होतं की अगोदर तिचं माती गळायला चालू झाली, माती गळाल्यानंतर पुन्हा एका साईडचे खिडक्याचा त्या शूटिंगमध्ये बघा आवाज येतो आहे काचांचा आवाज येतो आहे हा आवाज येतो आहे त्या शूटिंगमध्ये बरोबर आहे आवाज येतो आहे, परत ती खिडकीची स्लायडिंग बेंड व्हायला लागली हळूहळू फ्रेम बेंड व्हायला लागली आणि नंतर एक 3-4 मिनिटांनी ती बिल्डिंग खाली आली, त्याच्यातले 3 लोक जे बाहेर आले होते 2 लोक सामान आले आणि गेले परत पण आले पण एक जणाला कधी बाहेर पडता नाही आलं, त्यामुळे त्या बिल्डिंगने पूर्णपणे लक्षण आपल्याला दाखवली होती तर ती आपण बिल्डिंग सगळी खाली केली होती पण एक जणाचं काय राहिलं आणि त्याचा तो गेला, म्हणजे जर ते लक्षणं दाखवल्यापासून जर लोक सगळे बाहेर आल्यामुळे ती जगले सगळे आपले आपल्या समोरच उदाहरण आहे, म्हणजे हे जर लक्षणं दिसले तर नागरिकांनी आम्हाला त्वरित आपत्कालीन कक्ष किंवा आमचा जो डिपार्टमेंट आहे त्यांच्याशी संपर्क साधला नाही. आता कसं आहे सर 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 ऍक्च्युली क्या हो गया यहाँ पर मुश्किल ये हो जाती है कि जब भी प्रचार होता है तो ऐसी भाषा में होता है जो कम लोग जानते हैं जिसकी वजह यहाँ मराठी कम लोग जानते हैं सर यहाँ पे हिंदी में पहुँचाना जी जी देखिए बात ऐसी है हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोसावी साहब ने जो बोला है उनका यही कहना है कि जो एक उदाहरण दिया बानो बिल्डिंग का जी तो बानो बिल्डिंग में बिल्डिंग गिरने के पहले बिल्डिंग ने ईमानदारी से कुछ सिग्नल्स दिए थे. सिग्नल क्या हो सकते हैं कांच में क्रैक आना जो आपकी विंडो फ्रेम है वो
बेंड होना जिसकी वजह से खिड़की बंद करने में तकलीफ होना या आपका घर का दरवाजा है उसे बंद होने में जरा प्रॉब्लम आना। अच्छा एक मैं बात बोलता हूँ कि मुंबरा में ऐसे कई घर आपको दिखेंगे जहाँ की प्लास्टर गिरा हुआ है, आप क्या सब ऐसे घरों से बाहर भाग जाना? ऐसी बात नहीं है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुसावी साहब ने जो कहा कि स्टील दिख रहा है लेकिन अगर वो स्टील बेंड हो गया है तो समझ लेना कि ये डेंजर की बात है। वेरी गुड। ये सारे लक्षण या रेती गिरने शुरू हो गई है ये सारे लक्षण बानू बिल्डिंग ने दिए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 100% केसेस में बिल्डिंग इशारा देगी ऐसा नहीं है। अब जो रेलवे ट्रैक के बाजू में जो बिल्डिंग थी स्मूर्ति में फिर इतने इशारे नहीं दिए गए, लेकिन ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग गिरने के पहले इशारे देती है। हमारा ऐसा प्रयत्न रहेगा, हम अपनी जवाबदारी नागरिकों पर डाल नहीं रहे, ये पहले मैं बात क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हमने आज एक डिप्टी कमिश्नर से लेके सफाई कामगार तक हम सब धोखादायक इमारत के प्रश्न को हम हेड ऑन फेस करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसमें कोई भी लापरवाही होनी नहीं चाहिए और इसमें सबका सहभाग होना चाहिए, तो सबसे पहले सहभाग हम अपना दिखा रहे हैं, सफाई कामगार से लेके वॉलमैन से लेके टैक्स का इंस्पेक्टर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके डिप्टी कमिश्नर तक सब इसमें लगे हुए हैं। अब हम सब लगे हुए हैं तो हम एक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि आप भी हमें सरकार कीजिए। और एक सिंपल सी बात है, हर एक के घरों में बच्चे रहते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, हर एक के पास एक स्केल होता है, पट्टी होती है, आपके घर में क्रैक है आप उसको मेजर कर लीजिए, कुछ दिनों तक वापस मेजर कर लीजिए, ये कोई कठिन चीज नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि एक जागरूक नागरिक बनिए, जागरूक नागरिक बनिए, खेल खेल में ले लीजिए ना। आज अगर आपके घर में क्रैक है तो भाई वो 1 mm का 1 mm का क्रैक है, डेट नोट कर लीजिए, आज 1 mm का क्रैक है, एक हफ्ते के बाद देखिए तो 1 mm का अगर वो 2 mm हो गया है, सो देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, कुछ कंसर्न है, कुछ खतरा है, इमीडिएटली आप हमें बताइए। जान से महंगी और जान से प्यारी तो वो 10 lakh का सोने का हार भी नहीं है या मेरा पासपोर्ट भी नहीं है ना। जान है तो जहान है, जान है तभी पासपोर्ट लेके आदमी दुबई जाएगा कमाएगा, जान है तभी तो हार पहनेगा। अब जान ही नहीं है तो हार भी गया, पासपोर्ट भी गया, दुबई भी गया, सारे सपना चूर। तो इस आपके माध्यम से हम सबको आह्वान करते हैं, हमारे लोक प्रतिनिधि तो हमारे साथ ही है, सारे नगर सेवक हमारे साथ हैं, सम्मानीय आमदार भी हमारे साथ हैं, और जैसे हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि इस विषय को समाज के हर तबके ने के साथ मिलके इंटरैक्ट करके प्रशासन अपनी जवाबदारी ना भूलते हुए हम ये इस समस्या को हम हेड ऑन मुंह तोड़ जवाब देंगे। वाह वेरी गुड। तो आप ये मीटिंग जो मंडे को प्रतिनिधि के साथ में आप लोग जो मीटिंग करने वाले मंडे से शुरू करेंगे आप लोग? नहीं, मंडे से शुरू नहीं, मंडे को ही मीटिंग है, उसी दिन हम सब समझा देंगे। कल हमने वॉलमैन लोगों की मीटिंग लगाई है और शनिवार को सफाई कामगारों की मीटिंग लगाई है।